Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं House Flipper. तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस गेम में हमें बहुत सारा सिविल वर्क करना होता है. मतलब एक पुराने घटिया से कच्चे से घर को लेकर उसे एकदम नया जैसा सुंदर घर बनाना है. जिस काम को करने के लिए हमें पहले उस घटिया घर का कचरा साफ करना पड़ता है, फिर इंटीरियर डिजाइन करना पड़ता है, फिर वॉल्स में पेंट करना होता है. बहुत सारा काम होता है. वैसे तो मैंने इस गेम को पहले खेला हुआ है, बट आज मैं खेलने वाला हूँ House Flipper 2. Yes, गेम का न्यू पार्ट आ चुका है, यानी गेम में और भी काफी सारी नई नई चीजें आ गई हैं. Let's go, चलते हैं अपनी जॉब पे. बट हाँ, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग चैनल पे नए हैं जो कि वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है. भाई ये तुम ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ का मतलब है कि इतने परसेंट लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और सिर्फ इतनों ने ही सब्सक्राइब करा. क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ, नीचे प्यारा सा बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबा दो. Let's go. आज हो वीडियो में. Alright guys, तो आज है अपनी फ्लिपिंग जॉब का डे वन और मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे जहाँ पर कुछ टाइम पहले एक ब्यूटीफुल घर हुआ करता था, बट अभी ये घर एकदम कबाड़ा हो चुका है. एक बारी देख रहे हो, इसकी सारी लकड़ियां टूट टूट के गिर रही हैं ऊपर से. यहाँ पर इधर देखो, स्प्रे मारो है किसी ने, दीवार पे पेंट वेंट करना पड़ेगा. और इधर की तो खिड़की गिर रही है, उसके लिए इन्होंने पता नहीं क्या गत्ता लगा रखा है, प्लैंक लगा रखा है. गलत भाई गलत, बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई है इस घर में. झाड़ उग रहे भाई, थोड़े टाइम में घर पौधा बन जाएगा. एक सेकंड यार, एक बार अंदर झांक कर आता हूँ. अंदर भी मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत गंदगी. छी भाई, कबाड़ मचा हुआ है घर के अंदर. भाई एक सेकंड यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस घर को साफ करने में मेरा पूरा का पूरा एक हफ्ता चले जाएगा. बट हमें काम करना है, क्योंकि जिस बंदे का ये घर है ना, वो कोई बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा है और वो इस काम के हमें बहुत सारे पैसे देने वाला है. मतलब तुम खुद देखो, उसका ये जो घर है ना, किसी एक प्राइवेट आइलैंड पे है. दूर दूर तक कोई सिटी नहीं नजर आ रही, कोई बिल्डिंग नहीं नजर आ रही. मुझे तो खुद नहीं पता मैं यहाँ पर आया कैसे हूँ. मैं यहाँ पर कैसे आया वैसे. एक सेकंड, इधर कुछ तो सामान पड़ा हुआ था. राफ्ट है इधर, मैं देख रहा हूँ खुद राफ्ट से आया हूँ मैं. मेरा ये बैग ये रहा भाई. बहुत बहुत अमीर बंदे का घर है, तो आज इसको हम लोग पूरा चमकाने वाले हैं. बट स्टार्ट करते हैं थोड़ा बाहर से. इधर तो भाई बहुत ही ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े के बैग्स हैं, जिन बैग्स को मैं उठाकर शायद से इस डस्टबिन में डाल सकता हूँ. यस, तो यहाँ से हमें सफाई करना शुरू करना है. बट हाँ यार, बाहर की सफाई ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले घर को अंदर से साफ करना है. स्टार्ट करते हैं. मैं पहले देख कर आता हूँ कि आखिर घर अंदर से कितना बड़ा और कितना गंदा है. दरवाजा खुल, ये देखो इतना कूड़ा है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा भाई. इसको हटाओ यहाँ से. इसको मैं यहाँ से फेंक सकता हूँ क्या? ये ओ यस, मैं फेंक सकता हूँ, बस ताकत थोड़ी सी और लगानी है. आ जा तू, आ ये बास्केट करना है हमें. Let's go, नहीं हुआ. चलो कोई बात नहीं, अभी दरवाजा खुल जाता, बट अभी भी नहीं खुला. रुको, मेरे पास काफी सारे टूल्स हैं इसके अंदर, तो इसके थ्रू मैं इसमें कूड़ा डाल सकता हूँ उठा उठा के. ओके, तो कूड़ा हटा दिया, दरवाजा खुल चुका है और घर में बहुत ज्यादा गंदा है भाई. पूरा घर गल चुका है भाई. मेरे को तो ऐसा लग रहा है अंदर छिपकली कीड़े मकोड़े सांप वाप सब रह रहे होंगे. वैसे एक मेरे पास एक ये टूल है, फ्लिपर टूल, जिसके थ्रू मैं बहुत सारा सामान बेच सकता हूँ, उसके मुझे पैसे मिलेंगे. जैसे यहाँ पर एक कोई पुराना पेंटिंग है, ये डेकोरेशन में अच्छा तो लगेगा नहीं, इसलिए इसे बेच दो. ऊपर भी एक मस्त कोई आइटम है, इसे भी बेच दो भाई, सब बेच डालूंगा मैं. इधर देखो भाई, कितना ज्यादा घटिया घर है. फ्लोर का काम करना पड़ेगा. ये इधर का दीवार टूट गई है, ये देखो. इधर की तो दीवार भी दोबारा बनानी पड़ेगी. यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, ये भी गंदा हो चुका है. मेरे को तो ऐसा फील आ रहा है कि इधर ना वो बंदा पार्टी करके गया है, ऊपर उन्होंने वहां पर कोल्ड ड्रिंक उछा लिया है, पूरे में गंद मचा के वो बस घर को ऐसे छोड़ के चले गए हैं. बट ठीक है, अभी अपना काम है सफाई करना, तो हमें ज्यादा बातें नहीं करनी है. फटाफट से जो जो चीजें बिक रही है सारी बेचो भाई. पूरे किचन का सारा सामान बेच दूंगा मैं. गैस स्टोव वगैरह, फ्रिज बेचो, ये सारे कैबिनेट बेचो भाई. मैं नए ला के लगाऊंगा इसको, मैं पॉलिश वॉलिश नहीं करने वाला. अपने पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है भाई, पैसे से नया खरीद के लगाएंगे. कैबिनेट फालतू है सारे, सब हटा दो. बाहर वाले रूम में यहाँ पर सोफा है, और सोफे के साथ साथ एक बड़ा सोफा है, कैबिनेट है, प्लैंक्स है फालतू के, एक छोटा टेबल है. सब बिक जाएगा भाई, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है इनका. भाई ये वाली घड़ी फिर भी ठीक लग रही है, पर इसमें कांटा ही नहीं है. हट, नहीं लगाएंगे हम. चलो भाई, जितनी भी टेबल वेबल सारी चीजें बिक सकती थी मैंने बेच दिया यहाँ पर. लेकिन एक सेकंड, ये सब तो रह गया, पूरा डाइनिंग टेबल बचा पड़ा है भाई अभी. तो बेसिकली ना यहाँ पर हमें टास्क भी दिखा रहा है कि ये देखो 23 स्टेन्स है, ये जो दाग धब्बे है ना, हमें ये सारे क्लियर करने हैं. टोटल 23 इस रूम में वो करने हैं. ट्रैश है बहुत सारा, वैक्यूम डर्ट है, और 46 आइटम है जो सेल करने हैं. 28 हम कर चुके हैं, यानी अभी भी बहुत सारी चीजें, लैंप वगैरह सब बिकेगा भाई. ये प्लेट वलेट सब बिक जाएगा. अभी एक सेकंड, छी ये क्या है भाई, ये मेरे को नहीं. अरे नहीं, ये गंद नहीं है कुछ, ऐसा लग रहा है कोई फ्लावर पॉट है, वो गिर गया, उसकी मिट्टी है, गाय का गोबर मत समझो इसे. और ये साफ भी नहीं हो रहा भाई वैक्यूम क्लीनर से. एक मिनट, इस पे का कपड़ा मारू क्या? मारो कपड़ा मारो.
अरे नहीं, कपड़े से तो जमीन साफ हो गई। आई थिंक मैं इसको कूड़े में भर सकता हूँ। यस, कुछ गलत नहीं था, कूड़े में डाल सकते हैं। तो बहुत सारा कूड़ा है भाई, मैं तो बहुत तेज स्पीड में काम कर रहा हूँ। पूरा कूड़े का एक बैग मैंने भर डाला भाई। न्यूज़पेपर है बहुत सारा, न्यूज़पेपर बिक जाएगा। ये देखो रद्दी का भाव बेचेंगे भाई ये न्यूज़पेपर। एक लैंप लटक रहा है, अच्छा लग रहा है पर नहीं, हम नया लगाएंगे। बहुत सारे ब्रिक्स इधर गिर रखे थे, ये भी बेचते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। हाँ मतलब इतना ही था ना ग्राउंड फ्लोर, मेरे को पता नहीं है कितना। मैं चीजें बेचने तो लग गया, एक बार पूरा घर तो घूम के आऊं। यहाँ पे क्या है इधर? ओ तेरी, ये बाथरूम है भाई, इसके अंदर कितना सामान फेंक रखा है। टॉयलेट सीट की जगह इसमें तो नहीं कर दिया क्या? ही है ये कपड़े हैं शायद से गीले। बेचो भाई, गंदा लग रहा है। और इस तरफ में, ओ वेट, इस तरफ में वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, बट हाँ इसको नहीं बेचना। एक बार ऊपर चक्कर काट कर आते हैं, देख कर आता हूँ ऊपर क्या है। भाई बड़ा घर है भाई, काफी बड़ा घर है और बहुत ज्यादा गंदा घर है। ऊपर तो भाई 10 गुना ज्यादा गंद मचा हुआ है। बेड है उस पे गद्दा ही नहीं है, चूहे खा गए क्या? इस तरफ में बालकनी भी है भाई, कोई सांप वहां अपना बैठा हो घर में। वो तेरी भाई, डिश टीवी गिरा हुआ है इनका तो। ओ भाई भाई, बैंड बजने वाली है भाई, बहुत ज्यादा गंदा है और बहुत बड़ा घर है। ये देखो भाई ऊपर क्या है, ये लीकेज, मॉस जमा पड़ा है सारा। भाई 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 भाई, बहुत सारा काम है, अभी ज्यादा बातें बातें नहीं करते, सीधा सीढ़ी में सर अटक रहा है, इतना गंदा है। कूड़ा भरो भाई, सीढ़ी से मेरे को गिरना नहीं है, सीढ़ी का कूड़ा पहले साफ होगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ग्राउंड फ्लोर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी भी कुछ कुछ चीजें जो मेरे को बेचनी है, जैसे ये किचन में तो बहुत सारा आइटम है जो बिक सकता है, बाकी सारे ट्रैश है इसके अंदर डालते हैं। भाई बेलन बिकेगा क्या? बेलन बिक जाएगा भाई, ये लो रोटी सेकेंगे। ओके तो ग्राउंड फ्लोर को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रैश और था। ये लकड़ियाँ टूट टूट के गिरी हुई है, इसको उठा लेता हूँ। अभी जितने बैग्स बने हैं ना, मुझे से फेंक के आना है यार, मेरे को चाहता नहीं मैं वहां तक जाऊं। काश ये यहाँ से, बहुत कच्चा निशाना है मेरा। छी तू आई हो, तेरे को फेंक के देखता हूँ मैं। ये गया भाई, ये तो यहीं गिर गया भाई। मैं अंदर सफाई कर रहा हूँ, बाहर गंद नहीं मचाना चाहता। तो जितने बैग है सबको पहले इस वाले ट्रैश के अंदर डालो भाई। अबे कितनी जगह भाई, हेलो 5-6 ढेर लगे भाई, खत्म ही नहीं हो रहे। देखो भाई इनफाइनाइट स्टोरेज है इसके अंदर, बस डालते जाओ। चलो गाइस वापस चलते हैं घर के अंदर, और अंदर की सफाई हम लोग, एक सेकंड, बाहर भी बहुत कूड़ा है भाई, चप्पल उप्पल गिरी हुई है। ये टेबल बिक जाएगा और ये प्लैंक्स बिक जाएंगे, चप्पल बिक जाएगी, लैंप बिक जाएगा, ये वाला कैबिनेट बिक जाएगा, और सब बिक गया। हाँ तो वैसे मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ, पहले जितनी चीजें खाली कर सकता हूँ ना घर से वो सारी एकदम क्लीन कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसे रेनोवेट करना शुरू करेंगे। मतलब ऐसा थोड़ी कि पहले एक कमरा हमने साफ करा उसका पेंट वेंट शुरू कर दो फिर दूसरे कमरे में, ऐसे नहीं होता है काम। पहले पूरा घर एक बारी क्लीन होएगा, जो टूटी फूटी चीजें हैं रीबिल्ड होंगी, उसके बाद घर का काम शुरू होगा, फिर नया फर्नीचर आएगा और दैट्स इट, खत्म। आई थिंक अगर मैं फ्लो वाइज चलूंगा तो सारा काम बढ़िया तरीके से होगा। तो ये पॉट सीट वगैरह क्लियर नहीं करनी भाई, सब उड़ाओ, सारा सामान मैं नया ला के लगाऊंगा यहाँ। चलो गाइस ग्राउंड फ्लोर का जितना सामान बिक सकता था बिक गया है, अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ पर भी कुछ कुछ गिरा पड़ा है भाई, आ जा तू इधर, ये तो बिक जाएगा, बहुत पुराना पौधा है, नए पौधे लगाएंगे घर में। ओ भाई वेट, ऊपर तो बहुत सामान है भाई, सारा बेचूंगा। ये बेड गया, टेबल गया, पियानो भी घटिया सा पड़ा हुआ था, ये भी गया। ओ भाई कितनी चीजें हैं, ब्रिक्स व्रिक्स भी बिक जाते हैं क्या? मछलियां सब है। अंदर वाले कमरे में भी बहुत कुछ है, कैबिनेट्स वगैरह, न्यूज़पेपर, रेडिएटर ओल्ड, और क्या है ये भी, न्यूज़पेपर, जार भी है, जार भी बिकेगा। अंदर बाथटब है भाई इतना बड़ा, वो भी बेच दिया। चलो गाइस लेट्स गो, जितनी चीजें बिक सकती थी बेच दी, अब बचा है कूड़ा, उसको इस बैग में डाल के भरते हैं पूरा। बट वेट, ये बैग तो खुद ही भर गया है, इसको यहाँ से फेंकोगे नीचे? जा 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 जा, नहीं गया, कोई बात नहीं, अपने को कूड़ा भरना है वो ज्यादा जरूरी है। सीमेंट के बैग्स पड़े हुए ये तो बिकेंगे, चेयर पड़ी है एक ओल्ड, ये भी बेच देता हूँ। पोस्टर्स हैं, पेपर्स, भाई इतनी स्पीड में काम करा है कि ऊपर वाले फ्लोर में 2 गुना ज्यादा गंद था, लेकिन फटाफट से क्लियर कर दिया, पता भी नहीं चला। और बालकनी में भी बहुत कूड़ा है, ये भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये प्लैंक्स वगैरह, पत्तियां वगैरह, पता नहीं क्या क्या है। और एक सेकंड, मैं इन लीव्स को बेच पा रहा हूँ भाई, वाओ पौधे उग रखे हैं, वो भी बिक गए। यहाँ पर क्या विंडो हुआ करती थी क्या, ऐसे अलग से ब्रिक्स, पता चल रहा है। बट यार जो भी है, अभी घर पूरा क्लीन हो चुका है, एक बार चेक कर लेता हूँ इसके अंदर, अब कुछ भी नहीं आ रहा बेचने के लिए। नहीं, 4 आइटम दिखा रहा है बेचने के लिए। कोई 4 आइटम कहीं पर रह गई है जो कि बिक सकती है, हमें दिख नहीं रही। इस वाले कमरे में तो सब कुछ आई थिंक क्लीन है, या बाथरूम में भी सब कुछ। ओ वेट, बाथरूम में एक और एक ये ट्रैश है, एक यहाँ पर एक हार्पिक पड़ा हुआ था, हमें हार्पिक नहीं टॉयलेट क्लीनर पड़ा हुआ था। ये प्लैंक है इधर, अच्छा जमीन पे भी प्लैंक है। चलो भाई अभी सारा घर पूरा अच्छे से एकदम क्लियर हो चुका है, क्लियर के बाद हमें करना है क्लीन। और एक सेकंड, एक चीज ऊपर और है, ये रही। वेट एक सेकंड, अभी भी चीजें बची हुई है यहाँ पर। एक लास्ट चीज है, ऐसा कुछ प्लैंक पड़ा हुआ है कहीं जो कि हमें बेचना है, ये रहा, अच्छा ये रहा। चलो भाई लेट्स गो, अभी सब कुछ हमने एकदम क्लियर कर दिया है, अब हमें करना है क्लीन। और क्लीन करने के लिए हमारे पास है ये नॉर्मल क्लॉथ है, जिसको शायद से मैं ऐसे वॉल पे मार के इसके स्टेन्स हटा सकता हूँ, दाग धब्बे सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम ना नया पेंट शायद नहीं करेंगे, हमारे पास बजट बहुत कम है, तो कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है, यही इस गेम का कॉन्सेप्ट है भाई। मतलब हमें ज्यादा पैसा कमाना है, तो बढ़िया काम तो करना ही है, साथ के साथ पैसा बहुत कम यूज करना है। तो यहाँ पर जितनी भी सफाई ऐसे नॉर्मली हो सकती है इस स्क्रब से इसे कर देते हैं। छत छत पे शायद से भाई पानी वानी का लीकेज है, ये सारा साफ करना है। ओके
तो ये वाला एरिया तो देख के आपको एकदम नया जैसा लगेगा, बट इतना देखोगे तो, क्योंकि इधर पता नहीं क्या है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी थी, जो कि एकदम भाई पेंट करने की जरूरत ही नहीं, एकदम व्हाइट हो गया है। विंडो यहाँ पर बहुत गंदी हो रखी है, विंडो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ब्रश है क्लीन करने के लिए, तो बस उसे एकदम ऐसे रब करना है, डन। रब भी क्या करना है, बस ऐसे इस पे एकदम स्वाइप करना है, हो जाएगा। चलो भाई एक विंडो और हो गई, शाइन मार रही है भाई विंडो इस तरफ। ओके इस तरफ भी यहाँ पर बहुत वो है स्टेन्स। ठीक है भाई, तो वॉल मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी क्लीन कर दी है, बट हाँ ऊपर साइड की रह गई है, इसे भी कर देता हूँ। चलो भाई अभी सारी की सारी वॉल एकदम, अबे यार कितना ज्यादा गंदा है, जैसे ही बोलने लगता हूँ एक वॉल और नजर आ जाती है। ठीक है यहाँ पर अभी बचा हुआ था काम थोड़ा सा, इधर है स्टेन्स है यार बहुत, एक बार चेक करूंगा तब मैं बोलूंगा, अभी भी दिखा रहा है 56 है, 44 मैं कर चुका हूँ। ओ अच्छा जमीन पे है बहुत सारे, भाई कपड़ा ही बहुत ज्यादा गंदा होगा थोड़े टाइम में, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जमीन गंदी होगी कपड़े से, अभी तो साफ हो ही जा रही है। चलो भाई बहुत अच्छे से सफाई मैंने कर दी है इधर, बाथरूम भी एकदम फुल चमका धमका दिया। एक ये वाली वॉल छी भाई, ये तो कुछ अलग ही लेवल गंदा है, वॉमिटिंग करी थी क्या, हरा क्यों रखा है भाई, ये क्या है, ये तो और ज्यादा घटिया है, ऊपर से सारा मॉस आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डर्टीएस्ट वॉल यही थी, ये भी एकदम बढ़िया क्लीन हो चुके हैं भाई, ये मस्त कपड़ा यार खत्म ही नहीं हो रहा, बस क्लीन करता ही जा रहा है। चलो भाई लेट्स गो, शायद से मैंने सारे स्टेन्स क्लीन कर दिए हैं, एक आध हो सकता है कहीं बच गया हो, बट चेक कर लेता हूँ। हाँ हो गया, अब बस वैक्यूम क्लीनर के थ्रू ये डर्ट उठानी है, मैंने देख ली थी यहाँ पर ये पड़ी है, ये वैक्यूम क्लीनर से सारा आ जाएगा, कोई कांच टूट के गिरेगा ये। आ जाओ भाई सारा कलेक्ट हो गया बाहर वाले रूम में, ओ तेरी इधर तो बहुत स्टेन है, लाओ भाई सारा पहले उठा लेता हूँ मैं इसको, ये ऊपर ऊपर से आ जाएगा भाई, बहुत कूड़ा इधर गिरा हुआ है, बालकनी में बहुत सारी लीव्स गिरी है, ये भी इसी से उठा लेता हूँ। क्या मजा आता है यार क्लीनिंग करने में, मतलब गेम्स में आता है, रियल लाइफ में भी आता है मेरे को यार, ऐसी बात नहीं है। हाँ वो बात अलग है, पिछले एक डेढ़ महीने से मैंने अपना पीसी साफ नहीं करा है, मैं करूंगा कल ही करूंगा। बालकनी तो ऑलमोस्ट पूरी क्लीन हो चुकी है, बस ये वाला जो वुड है ना ये क्लीन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शायद खराब ही हो गया अभी, तो मुझे यहाँ पर नया लाके लगाना पड़ेगा। बस अंदर में थोड़े बहुत स्टेन से रह गए हैं, ये भी फटाफट से क्लीन कर देता हूँ। तुम्हारे भाई ने फ्लोर पूरा एकदम चमका दिया है, बस ये थोड़ा सा रह गया था इधर। हाँ। चलो तो टॉप फ्लोर पूरा एकदम बढ़िया हो चुका है, इसके अंदर अब आ रहा है कि हमें बस चीजें खरीद खरीद के यहाँ पे लगानी है, चूंकि मैं एकदम लास्ट में करूंगा पूरे घर का एक साथ। बस विंडो रह गई यार, विंडो रुक जाओ विंडो करते हैं, मैंने बाथरूम का विंडो ध्यान ही नहीं दिया, मेन एरिया का विंडो कर दिया था, बाथरूम का रह गया था। चलो भाई विंडो भी क्लीन हो गया है, अंदर वाला तो क्लीन है ही ऑलरेडी, और यहाँ के विंडोज भी क्लीन है, इधर कोई विंडो था ही नहीं। चलो भाई लेट्स गो, टॉप फ्लोर पूरा डन है, अब चलते हैं नीचे पर। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गंदा ऐसे करते हुए चलता हूँ, पूरा घर एकदम नया जैसा दिखेगा, टेंशन मत लो। ये लो भाई ये भी एकदम बढ़िया से चमका दिया, दरवाजा करो बंद। अब अबे भाई जहाँ देख रहा हूँ वहाँ गंदगी, सच में बहुत गंदा था यार ये घर, और मैं बहुत तेज साफ कर रहा हूँ। चलो अभी आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ये है एंट्रेंस, यहाँ से क्लीन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले काम करता हूँ जितने स्टेन्स है ना यही निकालता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं यार, और है भी बहुत ज्यादा भाई, पूरे फ्लोर पे एकदम चिपके पड़े हैं, जैसे किसी ने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक गिरा के सुखा दी हो एकदम। किचन में भी है थोड़ा बहुत, किचन सबसे ज्यादा गंदा होना चाहिए था और वही सबसे साफ है लगता है, जो रहता था कुकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करता था वो, पर मंगाता कहाँ से था, इसका आइलैंड पे डिलीवर कहाँ से हो रहा है भाई। खैर छोड़ो यार वो हमारी हेडेक नहीं है, अभी मुझे ये काम करना है, इसे कम्प्लीट करते हैं। बढ़िया और बचे हैं सारे, टॉप वाले एरिया से भी चमकाते हैं यार भाई, ये टॉप पे गंद हुआ कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। शैंपेन खोली थी क्या ऊपर करके, इतनी ऊपर कैसे गंदगी मच रही है। हाँ फाइनली सब कुछ क्लीन हो गया, हाँ इधर तो हो गया, ये वाला रूम भी हो गया, चेक कर लेता हूँ एक बार। स्टेन्स इसमें दिखा रहा है, एक है कहीं बचा हुआ, दिख रहा है क्या कहीं? इधर तो फिलहाल नहीं दिख रहा, जमीन पे हो सकता है एक बार को, नहीं जमीन पे भी नहीं है। सब रूम का ना सेपरेट दिखाता है, मुझे इस रूम में दिखा रहा है एक बचा हुआ है, 23 थे, 22 मैंने कर दिए हैं। बैक साइड में, ओ भाई बैक साइड पूरी क्लीन है। चलो छोड़ो यार दिखेगा तो कर दूंगा क्लीन, फिलहाल अभी मैं यहाँ पर जितना भी ये वैक्यूम क्लीनर वाला काम है इसे खत्म करते हैं। बहुत सारा कांच वांच टूट के गिरा हुआ है, ये सारा उठा के भरना है भाई, ऊपर कम था इधर फैला पड़ा है पूरा। लेट्स गो, सब हो गया क्लीन, यहाँ पर अब बचा है फ्लोर और बाथरूम, बाथरूम बाथरूम में बचा हुआ है भाई काफी काम, तो यहाँ पर तो सब कुछ क्लीन है। विंडो रह गई, बस विंडो करते हैं, विंडो भाई मस्त चमक जाते हैं 2 सेकंड के अंदर ही पूरी। चलो ये वाले विंडो भी बढ़िया क्लीन हो चुकी है, वैसे बाथरूम में तो कोई भी स्टेन्स वगैरह नहीं है, फ्लोर भी एकदम क्लियर ही है, बट मैं थोड़ा सा नया बिल्ड करूंगा। विंडो मेन हॉल की बहुत सारी रह गई, ऐसे कर देते हैं भाई, फुल स्पीड में सारे काम हो रहे हैं। 3 से 4 विंडो क्लीन कर दिया, अभी ये किए बचे हैं, ये भी क्लीन। और हाँ यार एक विंडो ना 2 बार क्लीन कर दिया, पहले उसका ऊपर का पार्टीशन फिर नीचे वाला, डबल डबल काम हो जाता है भाई। ठीक है तो अभी दोनों विंडो मैंने एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन कर दी थी, पर अभी यहाँ पर किचन की भी बची है, इसको तो मैं, अच्छा इधर से क्लीन ही है, बस ये वाली साइड गंदी दिख रही है, तो 2 ही बार करना पड़ेगा। ठीक है छोटी भी है ये, लास्ट है भाई, चमक जाएगा इसके बाद पूरा का पूरा घर अंदर से, पूरा चमक गया अभी, बस ये दीवार वीवार थोड़ी सी ठीक करनी है। फ्लोर कैसे ठीक होगा पता नहीं, बट वैक्यूम क्लीनर का मैंने करा था, ये कैसे रह गया? अभी एक सेकंड, ये सब तो मैंने बेचा ही नहीं, मुझे
भी याद आया कि इधर भी काफी कूड़ा था, तो वॉशिंग एरिया में कुछ नहीं करना, इसका दरवाजा बंद कर देता हूँ। बाकी जो एक स्टेन रह रहा था यहाँ पर वो शायद से ये ऊपर वाला है, इसके बाद अपना सारा काम हो जाएगा। यस चेक, यस सब कुछ हो चुका है। इधर दिखा रहे क्या? ओ अच्छा, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था, अभी हो गया है। मतलब थोड़ा बहुत भी रह गया तो काउंट नहीं होता, हमें पूरा क्लीन करना ही है। अभी वैक्यूम क्लीनर से भी कहीं मारना है। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था, इस वजह से दिखा रहा है कि कुछ रह रहा है। डन, अभी सब हो चुका है। अब बस यहाँ पे चीजें खरीद खरीद के लगानी है, हमने काम कर दिया है। बट साथ के साथ ना ये दिखा रहा है कि ये जो ब्लॉक्स है ना 121, पता नहीं क्या है बट इसमें आ रहा है, ये स्क्वायर्स में पेंट ब्रश बना हुआ है। इससे तो मैं समझ गया हूँ कि मुझे 859 स्क्वायर्स पे पेंट तो करना है, तो शायद से ये जो वॉल है ना हमें इन पे पेंट करना है। बट साथ में 36 ब्लॉक्स का मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्ड करने है, 21 तोड़ने हैं। तोड़ने का टूल मेरे पास ये है, और ये देखो इसमें सजेस्ट कर रहा है कि मतलब ये दिखा रहा है रेड हो गया एरिया कि मुझे तोड़ना है। वैसे हाँ ये वॉल खराब हो ही रखा है, तो शायद से इसे तोड़ के खुला पार्टीशन ही कर दे हम लोग। आई मीन पार्टीशन नहीं, अभी जो किचन आजकल ओपन किचन होते हैं ना, थोड़ा वही कॉन्सेप्ट है। जितनी भी फालतू वॉल है इसे तोड़ देते हैं यहाँ पर, ये दम लगा के बस तोड़ना खत्म। भाई बढ़िया, इतने को यहाँ मारता हूँ मैं, सारा बोल जाए भाई बहुत से। ये हवा में कैसे रुक गया भाई, माइनक्राफ्ट हो रही है क्या? अच्छा मैं जितना होल्ड करूंगा उतना एरिया सिलेक्ट करके एक ही बार में भी तोड़ सकता हूँ, ये देखो ये बात। चलो भाई सारे पत्थर तोड़ डाले हैं, आई थिंक अपना टास्क डन हो गया होगा। अभी देखो अभी वो नहीं कह रहा कुछ भी तोड़ने के लिए, अभी सीधा आ रहा है ब्लॉक्स 36, मतलब मेरे को 36 ब्लॉक्स लगाने हैं यहाँ पर। ये देखो ये जो वॉल टूटी हुई है ना यहाँ पे लगेंगे, बट उससे पहले जो कूड़ा उड़ा यहाँ गिरा हुआ था हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बिल्ड करना है, उसके लिए जाते हैं बिल्डिंग मोड पे और यहाँ से बिल्ड करना है स्टार्ट करते हैं। पहले नीचे लगेगा इस तरीके से सीमेंट, और ये बन गए ब्रिक। भाई क्रेजी इजी है। अच्छा मैं एक बार में बहुत सारा ऐसे भी कर सकता हूँ, ये बात सीमेंट लगाया। ओहो भाई क्रेजी, सेम यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, पहले सिलेक्ट करना है फिर ऊपर तक लगाना है और ये लगता चले जाएगा। ओ भाई बहुत ईजी कर रखा है, तो मजाक हो रहा है भाई। बन गई बोल, मस्त है। अभी भी थोड़ी सी अलग दिख रही है बट जब पेंट कर देंगे तो ये भी एकदम मस्त मर्ज हो जाएगी। अपना नेक्स्ट टास्क ये दिखा रहा है कि हमें यहाँ पर पेंट करना है, सियान एंड ग्रे पेंट करने के लिए इसमें हमें बोला हुआ है। और ये आ रहा है कि बीच पैनल्स एंड नेचुरल वुड, ये भी हमें कहीं लगाना है। अच्छा हाँ ये देखो यहाँ की जमीन बहुत खराब थी ना, इधर लगाना है। पहले तो जो बुक है इसको मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसे कहीं साइड में रखवा देता हूँ। हाँ तो यहाँ पर मुझे पहले पुरानी टाइल्स हटानी पड़ेगी, जो कि मुझे याद है कैसे हटाते हैं, तो ये लेते हैं और यहाँ से हटाना शुरू करते हैं इसको। ओ वेट, उधर की नहीं हटानी थी वो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक फीचर है, ये देखो कि मुझे जितने एरिया में काम करना है ना मैं उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, तो जो मेरा टूल है इसके बाहर नहीं जाएगा, तो जो चीज हमें नहीं हटानी वो नहीं हटेगी। ठीक है मुझे उसे हर बार यूज करना है, वरना मैं ठीक चीज भी खराब कर डालूंगा कभी। चलो भाई तो पुरानी खराब टाइल्स मैंने वहां से निकाल दी है, अब बस मुझे यहाँ पर नया वुड पैनल्स जो है वो ला के लगाने हैं। तो पहले वो खरीदते हैं, पता नहीं कितने के आ रहे हैं। ये लिया, ओ वाओ फ्री मिल रहा है मेरे को, शायद से सारी चीजें वही बंदा प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो ये उठाते हैं यहाँ पे लगाते हैं, जिस बंदे का मेंशन है ना, मतलब विला मेंशन कुछ भी कह लो। ओ भाई ये रह गया था, रुको रुको रुको, ये तो देखा ही नहीं मैंने। भाई कितनी तेज हो रहा भाई, सारा भर डाला 2 सेकंड के अंदर ही। जो एरिया खराब था अभी पूरा ठीक हो गया है। बट अभी यहाँ पे दिखा रहा है हमने 89 ब्लॉक्स करे हैं, अभी 345 ब्लॉक्स और हैं इधर ही। क्या पूरे घर के करूँ क्या मैं? पूरे घर के थोड़ी करूंगा भाई। अच्छा नहीं वेट, ये देखो ना कितनी घटिया हो रखी है वॉल, ये तो बहुत गंदी है। तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा हटाना ही है, ये बहुत खराब दिख रहा है। राजा महाराजा के कासलों में होता भाई ऐसे आज के टाइम पे, इतना पुराना दिख रहा है। चलो तो लेफ्ट वाला एरिया हो गया, बस राइट वाला फटाफट से करते हैं। और यहाँ पर भी मैं वुड पैनल्स लगा दूंगा, ठीक लगेंगे। और फ्लोर भी गंदा ही है, फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक और इधर भी करते हैं। बाकी बीच में मैंने थोड़ी सी वुड छोड़ दिया, वो स्कार्टिंग है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी ठीक कंडीशन में है। जो साइड वॉल में वुड लगा हुआ था भाई ये तो बहुत ही गंदा था। चलो भाई ये भी हो गया, अब लास्ट यहाँ पर बचा है थोड़ा सा, इसको सिलेक्ट करके ये भी करते हैं। भाई मजा तो आता है घर रेनोवेट करने में, मतलब कभी कभी, हमेशा थोड़ी थोड़ी। अभी वुड उठाते हैं यहाँ से, सारी भरना शुरू करते हैं इसके अंदर। अभी फ्लोर जो है बिल्कुल बढ़िया दिखने वाला है। बाकी वॉल पे मुझे पेंट करना है, मैं शायद से डायरेक्ट पेंट भी कर सकता हूँ, बट अगर ये वुड पैनल लगाऊंगा तो देखते हैं कि सही है या फिर नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर वुड पैनल्स नहीं लगाने चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, इसके ऊपर पेंट मार देंगे। या हटा दो यार, इसके ऊपर वुड पैनल्स लगाने की जरूरत नहीं है, अजीब लग रहा है। मतलब ये फ्लोर वाले होते हैं ना, तो वॉल पे गंदे लग रहे हैं बहुत। अभी बचा है अपने काम किचन का, किचन की जो फ्लोर टाइल्स है वो बहुत ही खराब है, तो इसको भी करते हैं ठीक। चलो भाई पूरा क्लीन हो चुका है ये वाला एरिया भी, फ्लोर भी मस्त हो गया है। यहाँ पर वॉल्स हैं, इस वॉल को भी कर दूं क्या? इतने एरिया को सिलेक्ट करके उड़ा देते हैं, क्योंकि नीचे का तो ठीक है मेरे हिसाब से, नीचे की टाइल्स या फिर पूरी टाइल हटा दूं, खराब पुरानी ही लग रही है, हटा देते हैं। उस बिल्डर को अपने घर की वॉल टाइल वाइल सब कुछ एकदम नया चाहिए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, हमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा। उसने जो जो चीजें हमें करने के लिए बोली हमें वो सारी करनी पड़ेगी। ठीक है तो ये वाली वॉल पे भी बहुत सारा काम हो गया है, बची है लास्ट वॉल। डन भाई, ये वाली वॉल भी पूरी एकदम बढ़िया हो चुकी है। अब इस फ्लोर पे मुझे लगानी है टाइल सबसे पहले तो, और वो टाइल मेरे को खरीदनी पड़ेगी, ये रही। इसका मैं टेक्सचर कट पैटर्न्स ऑप्शन आ रहा है बट मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ले लेते हैं इसे।
बाय ओके यहाँ पर इसे रख दिया है, लगा कर देखते हैं कैसी लग रही है। ओ भाई वो सही है यार, फ्लोर तो भी बहुत सही दिखने लग गया, पहले वाला थोड़ा पुराना लग रहा था, ये वाला ज्यादा लेटेस्ट सा लग रहा है। चलो फ्लोर भी एकदम मस्त रेडी हो चुका है। ओ वेट एक सेकंड, मैंने ये वाली वॉल तो छोड़ ही दी भाई, बहुत काम है भाई यहाँ तो। अभी थोड़ी सी स्पीड पता लग गया मेरे को काम किस तरीके से करना है, तो सारी चीजें जल्दी जल्दी क्लीन कर पा रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ अभी ये वॉल एकदम बढ़िया हो चुके हैं, यहाँ पर बस मेरे को पेंट करना है और ऊपर भी पेंट करना है। यहाँ पे नए ब्रिक्स लगाए थे तो इधर भी मुझे पेंट करना है। अंदर बाथरूम है और बाथरूम ठीक है बट इधर पेंट उखड़ चुका है सारा, ब्रिक्स नजर आ रहे हैं तो इधर भी पेंट करना है। और ये क्या है भाई, ये गुलाबी गुलाबी सा। चलो ठीक है अभी सब हो चुका है, पेंटिंग का काम ही शुरू करते हैं। मेरे को इन्होंने जो पेंट खरीदने के लिए बोला, ये वाली पेंट बकेट ले लेते हैं, इसको रखेंगे यहाँ पे, दो ले लेता हूँ, दो में बढ़िया हो जाएगा। अब खोलते हैं रोलर और पेंट करना शुरू करते हैं भाई। इस कोने से आजा, यस मुझे इस तरीके से पेंट करना है भाई। क्या मस्त पेंट हो रहा है, एकदम मुझे फील आ रही है कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ अपने हाथों से। पर यार इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी वॉल है, अगर मैं ऐसे पेंट करते रहूंगा एक जन्म बीत जाएगा। कुछ तरीका है क्या? ओ मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ भाई, वाओ। तो यानी अगर अभी जो पेंट है वो बहुत मस्त तरीके से हो जाएगा। ये देखो भाई क्या स्पीड में पेंट होएगा, अब रोलर खुल गया थोड़ा। पर हाँ किसी गलत जगह पेंट ना हो जाए, तो पेंट करने से पहले मुझे एक ध्यान रखना होगा कि एरिया सिलेक्ट करना है कि कितने में मुझे पेंट करना है, ताकि पेंट इन सब जगहों पर ना जाए। जैसे फैलेगा ना तो इसमें नीचे पूरा पेंट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए पहले एक बॉर्डर बना लो कितने में ही पेंट करना है, ताकि पेंट बाहर ना आ जाए। चलो भाई इधर तो बढ़िया पेंट हो गया, थोड़ा बहुत इधर बीच में रह गया, इसको कर देता हूँ मैं डाउन बस सीधा, लेट्स गो। चलो भाई ये वाली वॉल भी एकदम बढ़िया, पूरी वहां तक पेंट कर रहा हूँ भाई मैं, यहीं खड़े खड़े मस्त। अब बची है ये वाली वॉल और ये वाली वॉल भी फुल डन भाई। पेंट वाला काम सच में बहुत थकावट वाला हो जाता है अगर मुझे ये नहीं पता चलता है रोलर वाला सीन। इसमें मैंने नीचे रीड करा ना, चेंज साइज आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 470 स्क्वायर्स में हमने कर दिया, बट अभी बहुत सारा एरिया बचा है जो कि मेरे को लग रहा है कि ये है। तो ठीक है फिर यहाँ भी करते हैं यार, सच्ची में अपना पेंट 2 मिनट का काम है भाई, अभी अभी सारा खत्म हो जाएगा, बस एरिया सिलेक्ट करो, रोलर को बड़ा करो और पेंट मारो, कोई सीन नहीं। चलो भाई खत्म हो गया पेंट इस वॉल का भी, और अभी भी इसके अंदर दिखा रहा है कि 724 ही हुआ है, 859। अरे कर तो दिया पूरा पेंट, ये किचन का तो अलग है ना, किचन का अलग काउंट होगा इस रूम। अच्छा ये देखो ये ऊपर यहाँ पर अभी बचा हुआ है करना, भाई वहाँ भी ध्यान दिया ही नहीं मैंने, पर का पूरा पेंट ही उतरा पड़ा है। बट ठीक है फुल स्क्वायर है तो दो दो सेकंड में दोनों कर दूंगा मैं। चलो भाई डन, अभी पूरा पेंट हो गया ग्राउंड फ्लोर पे। अब बस यहाँ पर मुझे चीजें खरीद खरीद के ला के रखनी है, और एक जगह दिखा रहा है स्क्वायर है जो कि पैनल्स मुझे ठीक करने हैं। आई डोंट नो ये किस एरिया की बात कर रहा है, क्योंकि मुझे तो भाई सब कुछ ठीक ही लग रहा है फिलहाल। मतलब यहाँ पर यार सब कुछ तो ठीक है, फ्लोर पे कुछ भी ऐसे खराब नहीं है, सब जगह ठीक है। जो जो पैनल टूटे पड़े थे मैंने सारे नए लगा दिए, देखते हैं कौन से कह रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पे पेंट करना है, सिंपल व्हाइट ही रहेगा, बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बस डायरेक्ट करते हैं। चलो भाई ये वाला वॉल भी पेंट हो गया एकदम मस्त। अभी अभी ना मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो साइड है ना, इसमें पुराना ग्रीन वाला वो पेंट जो दिख रहा है भाई, बहुत ही घटिया लग रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि पेंट कहाँ पर आता है, एक नई पेंट बकेट खरीद के ला सकता हूँ ग्रे कलर की, इसको रखते हैं यहाँ पे, और इसमें से जो पेंट है ना ये साइड साइड में मार देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो पहले कैसा गंदा सा दिख रहा था, अभी ऐसा दिख रहा है, पहले ऐसा दिख रहा था, अभी ग्रेस पे कर दूंगा ना सही दिखेगा, एटलीस्ट फिनिशिंग आएगी, चिंदी काम नहीं होगा। फुल वॉल हो चुकी है, ये रह गया, ये भी कर देता हूँ। बढ़िया भाई ग्राउंड फ्लोर तो बहुत ही अच्छे से पेंट हो चुका है, इस तरफ रह गया ना, हाँ इस तरफ रह गया। वाइट पेंट मार कर आता हूँ इधर भी, क्योंकि इधर की भी वॉल हमने ईंटें लगाई थी ना, नहीं नहीं तो वो होनी चाहिए। लेट्स गो। चलो तो सारा काम हो चुका है ग्राउंड फ्लोर का, पेंट करना बाकी बाथरूम में रह गया, एक बार पता कर लेता हूँ। इधर ये सजेस्ट कर रहा है मैं ब्लू वाइब्रेंट पेंट चाहिए होगा, तो ये वाला पेंट खरीदते हैं, यहाँ पे पेंटिंग शुरू करते हैं। पहले पूरे घर का ना पेंट खत्म करना है मुझे सारा, ये इधर यहाँ से टॉप पे सारा हो जाएगा। चलो भाई घर में खत्म नहीं हो रहा भाई, काम पेंट वेंट सब कर लिया, बट हाँ अभी ऐसा दिखा रहा है कि सारा काम हो चुका है, एंड आई थिंक हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पे मूव होना चाहिए, क्योंकि काम बचा है अभी बहुत। वैसे यार पहले तो मैंने ये कहा था कि पहले हम लोग अपने घर का पूरा रेनोवेशन करेंगे, जितने डैमेजेस सबको रिपेयर रिपेयर करके पेंट वेंट कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद फर्नीचर ला के घर कम्प्लीट कर देंगे। लेकिन अभी ऊपर वाला फ्लोर बचा हुआ है, पर मेरा मन कर रहा है कि नीचे वाले फ्लोर का फर्नीचर ले आते हैं, इतना सुंदर बन गया है, इसको पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं यार। अभी बाहर ना थोड़ा बहुत चीज़ें रह गई थी, इसको हटा देता हूँ, मैं भूल गया था ये सब हटाना, ये सब हटाओ भाई, यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी है। अब मेरा मन है सीधा फर्नीचर लाकर
ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे, पेंट वेंट करेंगे, उसे भी पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रूम से। यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर रहा है मेरे को एक सोफा लेना है, एक कैबिनेट लेना है, टीवी लेना है। भाई आइटम तो बहुत सारा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कितना सारा आइटम मैं इसे कहाँ फिट करूंगा, बट ठीक है अभी लिखा है तो लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये टीवी कैबिनेट, ये ब्लैक कलर का है और नीचे से व्हाइट है, जो कि थीम अच्छी है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये ग्लॉसी बेस है तो मैं इसे थोड़ा वुडन कर सकता हूँ, फ्लैग्ड कर सकता हूँ, थोड़ा मैट लुक में हो जाएगा ये। हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। और जो दूसरे कलर का डिटेल है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब एक्सट्रीम व्हाइट कर सकते हैं। क्रीम अच्छा लग रहा था वैसे, तो इसे मैं बाय कर लेता हूँ अभी। इसको रोटेट करके मुझे यहाँ लगाना है, बट पीछे कोई बुक पड़ा हुआ है, इस बुक को यहाँ रख के आओ। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इसे कहाँ पर लगाना चाहिए। इधर भी मैं टीवी लगा सकता हूँ, बट दोनों साइड विंडो है तो बंदा बैठेगा तो विंडो व्यू थोड़ी लेगा, टीवी व्यू एकदम सेपरेट होना चाहिए। तो इसको मैं लगाने वाला हूँ इस वॉल के साथ में, और अभी इसके ऊपर लाके रखते हैं टीवी। ओ वाओ, टीवी के भी अपने पास ऑप्शन है, मैं व्हाइट कलर का भी ले सकता हूँ। ब्राउन है क्या मेरे को? नहीं नहीं, व्हाइट ठीक लगेगा। ये देखो पीछे से व्हाइट है, अच्छा लग रहा है टीवी, अच्छा लग रहा है भाई। थोड़ा महंगा टीवी लग रहा है, ब्लैक तो हर जगह ही होते हैं भाई, थोड़ा सा व्हाइट टीवी अलग लुक है। गेस तो अभी टीवी हो चुका है, टीवी के सामने आएगा सोफा, बट हमने रखी हुई है पेंट बकेट, तो पेंट बकेट थोड़ी सी साइड करते हैं 2 सेकंड के लिए। ये सारा सामान इधर रखा देता हूँ बार बार रस्ते में। हाँ तो टीवी हो चुका है, टीवी के सामने मैं बात कर रहा था कि सोफा होना चाहिए, तो एक ही सोफा है अपने पास खरीदने के लिए जिसके मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ। इसका बेस ये कैसा है? अच्छा बेस यानी लेग्स के कलर है इसके, तो भाई वो तो देखो ब्लैक कर दो। एंड सोफा होना चाहिए व्हाइट या फिर थोड़ा सा इस टाइप का ब्राउन, बट व्हाइट भी अच्छा लग रहा है यार, ना व्हाइट ना ब्राउन, थोड़ा सा ग्रे करते हैं। इस पे जो शेड्स हैं वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सिंपल ठीक है यार, प्लेन अच्छा लग रहा था तो ठीक है। थोड़ा ग्रेश सोफा मैंने ले लिया, टीवी की लुक से मैच हो रहा है, बट ये थोड़ा बड़े साइज का नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको एकदम सामने लगा देता हूँ मैं। तो ये रहा टीवी, ये रहा सोफा। अभी मेरे को एक लेना है रेडिएटर, रेडिएटर को सोफे के पीछे लगा सकता हूँ, दिखेगा नहीं तो ठीक रहेगा, मतलब इतना अच्छा लुक नहीं देता ये। हाँ यहाँ पे ठीक है, तो एक रेडिएटर मैंने इधर लगा दिया। मुझे 2 परचेज करने हैं वैसे, एक इधर ही लगा दिया, दोनों साथ साथ लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे चाहिए होगा एक कारपेट, कारपेट का भी कलर एंड टेक्सचर ऑप्शंस है मेरे पे। ओ भाई इसमें तो बहुत सारे टेक्सचर है, कुछ सिंपल सा देखता हूँ मैं। ये वाला अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल है। तो कारपेट का टेक्सचर मेरे को मिल चुका है, कलर उसका ग्रे, लाइट ग्रे चलते हैं। ये चीज ब्लैक कर देता हूँ और जो सेकेंडरी कलर है इसे एकदम ग्रे, ये वाला हो गया। अब इसके फर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। देख रहे हो भाई कारपेट कैसा था, तुम्हारे भाई ने कैसा बना दिया। कारपेट ना भी फुल महंगा वाला लगने लग गया है। चलो बाय, कारपेट कैसा सा आ रहा था सिंपल वाला, बट अभी मैंने इसे बहुत महंगा वाला कारपेट बना दिया, तो इसको थोड़ा सा सोफे से एक्सटेंड करके लगाता हूँ, एक इधर या फिर नहीं एक्स्ट्रा खरीद लेंगे भाई। पर यार अपने बजट का सीन है, तो उसने जितने पैसे दिए मैं उतने का ही काम करना चाहिए, पर मेरा मन कर रहा है थोड़ा अच्छा करें। कोई बात नहीं, कर देते हैं, क्या पता एक्स्ट्रा पैसे बाद में दे दे वो। ओके तो अभी मैंने तीनों कारपेट को ना बहुत अच्छे से अटैच कर दिया है, और अभी ये कुछ ऐसे ही लुक दे रहे हो भाई, क्या महंगा लग रहा है। पर यार ये सारा ना मैं खाली पीली कर रहा हूँ, इतने की जरूरत नहीं थी। अभी लेते हैं ये वाला टेबल, ये टेबल कॉर्नर में लगाएंगे डिनर करने के लिए, कॉर्नर में तो नहीं थोड़ा सा सेंटर में ही लगाता हूँ। एंड अभी इसके लिए मेरे को 3 चेयर खरीदनी है, और तीनों चेयर को एक लगाते हैं ऐसे, दूसरा लगाते हैं ऐसे, और एक एक कॉर्नर में जाएगा ये वाला, परफेक्ट। तो तीनों चेयर यहाँ पे लग गए। एक काम करते हैं, चेयर को इधर नहीं इधर लगाते हैं, यस। तो अभी ठीक है, मैंने इसे इधर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ना अभी एक लैंप भी बाय करना है, इसका भी कलर ब्लैक करो भाई। ओके तो लैंप मैं कस्टमाइज करके ले आया हूँ, इसको लगाते हैं इधर, यस। वैसे एक सेकंड यार, बाहर काम करते करते रात हो चुकी है भाई, हेलो। ये देखो क्या खतरनाक मौसम हो रहा है, बस सनसेट होने ही वाला है और मस्त पफ वाले क्लाउड दिख रहे हैं। बैक साइड से ज्यादा अच्छा व्यू है, एक सेकंड, ये तो उधर आ गया मैं। हाँ ये है बैक साइड, वो रसन, थोड़ी देर में सनसेट होने वाला, अंधेरा हो जाएगा। और तभी मैं कहूँ अचानक से गेम में अंधेरा क्यों हो रहा है, मैं टॉर्च जला के बैठा हुआ हूँ। इसमें एक ऑप्शन है, मैंने अभी देखा था, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ तो है इसका सीन। ओ अच्छा, अभी ऑन कर सकता हूँ। ओ वाओ, मैं ऐसे कर सकता हूँ लाइट के कनेक्शंस, इसको ऑन कर देता हूँ मैं। तो हर रूम में जो भी लाइट्स हैं मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, जो कि अंदर ही अंदर कनेक्ट हो जाएगा, मैं वायर नहीं दिखेगी बट वो वर्क करेगा। हाँ तो ग्राउंड फ्लोर काफी अच्छे से बन चुका है, और अभी अभी और यहाँ क्या करना है, और क्या खरीदना है। एक मुझे ये एसन टेबल खरीदना है, इसको मैं कहाँ लगाऊंगा भाई, इसको क्या सामने लगा दूंगा सोफे के। हाँ वैसे यही होनी चाहिए, ठीक है ये। एक ये बड़ा कैबिनेट है बुक्स के लिए, ये तो मेरे हिसाब से मेन ड्रॉइंग रूम में इधर होना चाहिए। टीवी के साथ परफेक्ट स्पेस है इसको लगाने का, तो यहाँ पे लगा देता हूँ। और एक कैबिनेट मुझे और लेना है, ये कैबिनेट भी टीवी के ऊपर कर सकते हैं या टीवी के साइड में, तो नहीं जरूरी थोड़े टीवी के, वहाँ यहाँ भी लगा सकते हैं इसको। हाँ यहाँ ठीक लग रहा है। तो सारा सामान हो चुका है, अब बचा है ग्राउंड फ्लोर में किचन का सामान, जो कि मुझे सारा यहाँ पे लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं सिंक से। सिंक के कलर्स, कलर ऑप्शंस क्या है भाई? ओके तो व्हाइट एंड ग्रे थीम है, ऑरेंज थीम है, ग्रीन और ब्राउन थीम है। मेरे हिसाब से हमें ब्लैक एंड व्हाइट थीम पे ही जाना चाहिए क्योंकि काफी मॉडर्न लगेगा भाई अंदर से घर। तो ये लगा सिंक इधर। अभी सिंक के लिए मुझे 2 कैबिनेट लेने हैं उसके साइड में, तो इसको भी सेम उसी थीम का लेकर आते हैं। और
ये लगा देते हैं यहाँ पे, बट नहीं सिंक के साथ में, हाँ ये होना चाहिए सिंक के साथ में क्योंकि बर्तन वर्तन इसी में तो रखेंगे, और उसके भी साइड में होगा अपना एक मस्त सा फ्रिज जो कि पता नहीं क्यों आ नहीं पा रहा है यार, क्या दिक्कत आ रही है भाई। एक काम करता हूँ इसको बाद में रखता हूँ, तो इधर आ, पहले रखते हैं फ्रिज। पीछे कुछ है, अच्छा पीछे बटन है इसलिए नहीं रख पा रहा मैं। इस बटन को मूव कर सकता हूँ क्या? यस कर सकते हैं, इस बटन को कर देता हूँ मैं। ये बटन रूम में घुसते ही होना चाहिए, तो इस बटन को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है। अब ये वाली जो लाइट है वो इस बटन से चलेगी, मुझे कनेक्शन दोबारा देना होगा बस। अच्छा नहीं देना तो ठीक है, अभी मैं फ्रिज को इधर रख पाऊंगा जहाँ पे मैं पहले नहीं रख पा रहा था उस पोजीशन पे, एंड बीच में कैबिनेट भी आ जाएगा। वही मैं देख रहा था यार, स्पेस तो है पर समझ नहीं आ रहा था कि फ्रिज रख क्यों नहीं पा रहा था मैं, बट अभी हो गया। तो ये वाली साइड एकदम बढ़िया कंप्लीट हो चुकी है, अब बची है ये वाली साइड। बाहर बहुत मस्त अंधेरा हो गया है, सूरज ऑलमोस्ट डूब गया। अच्छा नहीं वो तो मून आ रहा है, सनसेट उधर हुआ है पूरा भाई, सन नीचे जा रहा है और एक तरफ से वो रहा मून ऊपर आ रहा है। चलो 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 नेक्स्ट नेक्स्ट वर्क। तो अभी एक और कैबिनेट मेरे को लगाना है जो कि फ्लोर पे ही लगेगा, तो इसको लगाते हैं इधर। उसके साइड में एक आएगा अवन, ओ वेट अवन गलत ले लिया मैंने, अवन की थीम मेरे को अच्छी करनी है, ये थीम का लाएंगे, पूरा मैच होना चाहिए भाई किचन। एक लास्ट पीस और है जो कि अवन के साइड में आएगा, एक नॉर्मल सा कैबिनेट, बढ़िया। तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है भाई अपना मॉडर्न किचन, एंड इस किचन में अवन के ऊपर मैं सोच रहा हूँ गैस स्टोव रख देते हैं भाई, गैस स्टोव की वाली साइड फ्रंट होनी चाहिए, ठीक है। ओ भाई एक सेकंड, अचानक से लाइट्स चल गई भाई, ये एकदम लाइट डिम हो रही थी बट अभी काफी तेज जल चुकी है। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, मेरे को भी लगाना है सारा सामान। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव थोड़ा बाहर की साइड में ऐसे रखता हूँ, हो गया माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के साथ में आएगा जूसर, नहीं वो ब्रेड टॉस करने वाला, इसके साइड में जूसर लगा देते हैं। और ये ड्राइंग रैक, सूखे बर्तन रखने हैं तो भैया इधर रखो जहाँ बर्तन धुलेंगे उसके साइड में। तो अब बचे हैं सारे हैंगिंग कैबिनेट, और एक है ये बुक केस, भाई ये कहाँ रखना है। ओके वेट ये भी इधर ही आ जाएगा अगर थोड़ा सा स्पेस है तो। अच्छा नहीं मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया था तो अब इधर से हटाना पड़ेगा बटन को, बटन अभी इधर कर सकता हूँ मैं, सही है अभी इधर रख देता हूँ बुककेस। चलो टीवी के अगल बगल बुक्स रहेंगी। बस किचन के अंदर अब बस कैबिनेट्स लगाने हैं, सारा काम हो चुका है। दो बड़े कैबिनेट लगाने हैं ना, एक बड़ा वाला कैबिनेट आएगा इधर और एक आएगा इसके एग्जैक्ट सामने। अब एक है ये ग्लास वाला कैबिनेट, ये इसको लेकर आते हैं ढंग के कलर का, ये भी लगाते हैं इधर। भाई कितना सारा सामान लगवा रहा है भाई वो बंदा इस घर में। वैसे नहीं यार बहुत ज्यादा नहीं है, इतना सामान तो एक घर में होता ही है, मैं पहली बार लगा रहा हूँ इसलिए ऐसा फील हो रहा है। ओके तो सब हो गया, एक लास्ट ये कैबिनेट बचा था जो कि मैं फ्रिज के ऊपर फिट कर सकता हूँ, बढ़िया। अभी पूरा किचन बहुत ही क्लासी लग रहा है, पर एक सेकंड वेट वेट सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गंदा ऐसे लग रहा है, बाहर विंडो पे प्लैंक व्लैंक लगे पड़े हैं जिससे थोड़ी गंदी लुक आ रही थी, बट हाँ अभी अंदर से बहुत अच्छा लगने वाला है अपना किचन। किचन हो चुका है, ड्राइंग रूम हो चुका है, अब बुक्स वगैरह उसका रखने का काम है, मेरे पास ये थोड़ी बहुत बुक पड़ी थी मैं यहाँ रख देता हूँ। चलो फाइनली ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ, अब बचा है ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम। बाथरूम में तीन चार चीजें लगानी है मुझे, पहले एक टॉयलेट सीट लगानी है जो कि आई थिंक इधर लग जानी चाहिए, इतनी ऊंचाई पर नहीं भाई सीढ़ी लगा के जाना पड़ेगा अंदर, ये हाइट ठीक है। मुझे एक कैबिनेट चाहिए होगा और कैबिनेट की थीम, ओ भाई वुड थीम रख सकता हूँ मैं, ये कैबिनेट में थोड़ा कपड़े वपड़े रखने का। किधर लगाऊं इसे मैं, कॉर्नर में ही लगाएंगे इसे। अब यहाँ पे बचा है रेडिएटर रैक, ये इसके ऊपर ही लगा देता हूँ। लास्ट में बचा है एक पाइडेड ब्लीनो, ये भी इसके साथ में ही होना चाहिए। वैसे मुझे पहले पता नहीं था ये किस लिए होता है, बट रिसेंटली मैं यूरोप गया तो मेरे को पता चल गया। आई नो आप में से बहुत लोग को पता होगा बट मुझे रिसेंटली पता चला कि ऐसे दो क्यों होते हैं एक बाथरूम में। हाँ चलो भाई सब हो गया है, अभी अभी चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। बट वेट 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 सब नहीं हुआ, ये बाहर वाला एरिया रह गया है तो यहाँ पर भी मुझे चीज़ें लेनी है। पहला शू बॉक्स, शू बॉक्स लेकर एक सेकेंड, यस शू बॉक्स को लगाते हैं यहाँ ताकि जैसे कोई बंदा घर में आए अपने जूते यहीं से उतारे, बाहर जा रहा है तो जूते यहीं से लेके बाहर जाए। शू बॉक्स के ऊपर मैं एक मिरर लगा सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सही दिखने वाला है ताकि जो बंदा अपना बाहर निकलने से पहले लास्ट टाइम अपना चेहरा वगैरह देख ले, बाल वाल सेट है नहीं है। और एक कारपेट है और कारपेट की थीम तो तुम्हारे भाई ने बढ़िया कर ही रखी है तो यहाँ पर कारपेट आ जाएगा। एक मुझे एक प्लांट भी चाहिए होगा, मतलब एक फ्लावर पॉट जो कि ऑनर ने बोला हुआ है लगाने के लिए, जिसके ऊपर ये वाला फ्लावर जाएगा, आई मीन लीव्स चाहेंगे वाली, तो इसको फिट कर देते हैं। लास्ट चीज़ है क्लॉक, वो भी हम लेंगे अपनी थीम की। भाई ये तो रोलेक्स स्टाइल लग रही है, ये वाली लेते हैं। ऑप्शन है मैं इसे यहाँ लगा दूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, घर के मेन डोर पे यहाँ होना चाहिए यहाँ पे, ताकि कोई बंदा अगर सीढ़ी से नीचे आ रहा है तब भी टाइम देख ले, घर से बाहर जा रहा है तब भी टाइम देख ले, अंदर घुसते ही तब भी टाइम देख ले, सही है। चलो भाई अभी ये वाला एरिया भी पूरा एकदम मस्त हो चुका है, अब फटाफट से चलते हैं ऊपर और ऊपर वाले फ्लोर का काम शुरू करते हैं। और ऊपर तो भाई बहुत अंधेरा हो रखा है, लो पहले इसकी तारे जोड़े यहाँ से, कहाँ है भाई एरी, अभी इसे जलाते हैं। यस एक और वायर है यहाँ पर, ये जुड़ेगा और ये जल गया, बढ़िया। बाकी ये वाला तो ऐसा लग रहा है कि जल ही रहा है, फिर भी कनेक्ट करके चलाते हैं। यस तो पहला काम यहाँ पर दिखा रहा है, मैं दो विंडो चाहिए और विंडो की हम लोग थीम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ओ वाओ शटर्स उसमें लगाने हैं नहीं लगाने, मेरे हिसाब से ग्लास ठीक है क्योंकि बार का व्यू बहुत अच्छा है। काउंटर टॉप ले लेते हैं, बार टाइप बार ये हटा देता हूँ, एंड विंडो की थीम हमें ब्लैक वुड और अंदर ऐसा वाइट। चलो भाई और ये जो बेस है वो तो ब्लैक ठीक है, बाय।
चलो दो विंडो यानी मुझे यहाँ पर लगानी थी, मुझे लगी रहा था इधर विंडो विंडो कुछ तो मिस है, बस एक बार देखना है किस हाइट पे आएगा विंडो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। दोनों विंडो मैंने यहाँ पर लगा दिया, जो कि अंदर से भी बहुत प्यारी दिख रही है, बाहर से भी अच्छी दिख रही है। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा एक बेड। बेड की थीम अच्छी है ये वाली, ब्लैंकेट ब्लैंकेट सब मस्त लग रहा है, पर मेरे को सोचना ये होगा कि बेड मैं लगाऊंगा, इस कोने में भी लगा सकता हूँ, इधर तो जाएगा नहीं। एंड यहाँ ओ भाई ये अच्छा है यार, या एकदम विंडो के साइड में, या फिर एकदम रूम के सेंटर में लगा दूं यहाँ पे, भाई यहाँ मस्त आएगा बेड को। एक दो चीजें इधर पड़ी है, मुझे ये हटानी पड़ेगी पहले। हाँ तो मैं ये कह रहा था बेड को एकदम सेंटर में लगाते हैं इधर, परफेक्ट भाई अभी मस्त दिखेगा बेड। यहाँ पे एक आध लैंप आ जाएगा ना तो भाई जो लाइट आएगी वो बहुत सही लगेगी, और दिन के टाइम पे तो वैसे यहाँ सनलाइट आनी है, मतलब अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ। बाकी यहाँ पर एक कैबिनेट था जो इसके साइड में लगेंगे, मैं टॉर्च जला लेता हूँ भाई ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखे, इधर ऊपर वाले रूम में बहुत अंधेरा हो रखा है, अभी सब दिख रहा है। हाँ तो अभी ये हो गया अपना बेड, जो कि मैंने यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दिया, और अभी मेरे को एक लैंप लेना है, लैंप को लगाते हैं इस कोने में, और मेरे को एक डेस्क लेना है वर्किंग के लिए, ये बाय कर लेते हैं, और इसको भी साइड में लगाता हूँ मैं, सही दिखेगा यहाँ पे ही लगाते हैं इसे। और एक चेयर लेनी है, चेयर घुमा के लगाएंगे इधर, मतलब ऑफिस वर्क करना है घर बैठ के उसके लिए सेटअप हो रहा है। और भाई वाओ मेरे को आ चुका है मैसेज कि हमने बहुत काम कर दिया, हम चाहे तो अभी इसे खत्म कर सकते हैं लेकिन मैं सब कुछ कंप्लीट करके जाऊंगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था अभी मेरे को लगाना है यहाँ पे लैपटॉप, वाओ लैपटॉप को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बट लैपटॉप ब्लैक ही सही लगता है यार मेरे को, तो इस टाइप का कर देते थोड़ा डन है भाई। लैपटॉप भी हो गया, लैपटॉप को घुमा के लगाते हैं यहाँ पे, लैपटॉप के साइड में आएगा एक माउस, भाई माउस में भी कलर चॉइसेस, चलो गया लैपटॉप, हो गया उसका माउस, उसके साइड में आएगा एक लैंप पढ़ाई वढ़ाई के लिए। इन कारपेट्स मुझे लगाने हैं इधर, तो कारपेट इधर भी दो लगाते हैं कारपेट। कारपेट के आगे मुझे एक ये मेडिसिन रखना है, ये व्हाइट कलर का बहुत सही लगेगा, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। एंड मुझे एक वार्डरोब लेना है, बड़ा सा अलमीरा मैंने चूज करा है, इसमें भी थीम है कलर की बहुत सारी, ये थोड़ी क्लासी है, इसको लेते हैं। वैसे तो मेरा मन था कि इसके नीचे लगाऊं बट जगह नहीं है क्योंकि हट टाइप है ना ये थोड़ा, तो जो इसकी रूफ है वो थोड़ी ऐसे एंगुलर है तो उसके नीचे आएगी नहीं। बाकी एक बड़ा सोफा लेना है, इसको भी भाई येलो भी मस्त दिख रहा है, बट ब्लैक ब्लैक होता है भाई, तो उसको यहाँ पे लेके लगाते हैं। सोफे के लिए कारपेट और ले लूंगा, हाँ भाई कारपेट मस्त लग रहा है, रोटेट करके भी लगा सकता हूँ बट ऐसे ज्यादा अच्छी फील आ रही है। एक मेरे को प्लांट स्टैंड लगाना है, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे अपने बेड के बगल में रहेंगे तो कितना सही रहेगा, बट उसके लिए मुझे पूरा मूव करना है पहले थोड़ा सा लेफ्ट, पहले चेयर पीछे करते हैं, वर्क स्टेशन हो गया थोड़ा लेफ्ट में मूव, और ये आगे चेयर अंदर, और बाहर भाई कुछ ही देर में दिन होने वाला है, अंदर देखो भाई अभी से ही थोड़ी थोड़ी सनलाइट आना शुरू हो गई है, मैं टॉर्च चला रहा हूं तो कलर कितने चेंज हो रहे हैं। हाँ तो मैं कुछ एक प्लांट स्टैंड को लगाते हैं यहाँ पे अपने बेड के बगल में ही सारे प्लांट्स रहेंगे, चार टाइप के मुझे रखने के लिए बोले हैं, एक रहेगा ये पिंक वाला, एक ये भी पिंक ही है वैसे, ये सारे थोड़े लोटस टाइप है बट कोई और है, ठीक है ना, अपने को लगा के पैसा कमाने से मतलब है, जल्दी जल्दी लगाओ भाई, मस्त हो रहा है यार, मतलब बेडरूम तो बहुत ही अच्छा डिजाइन कर दिया मैंने इसका इंटीरियर। अब ये वाला एरिया काफी खाली पड़ा हुआ है और मुझे एक कैबिनेट रखना है जो कि मेरे को इसी साइज का लग रहा है, तो शायद से क्या वो यहीं पर फिट आ गया, ठीक है तो इसको इस साइड पे लगा देते हैं क्योंकि मेरे को एक ना प्लांट नहीं, वेट इसको यहाँ लगाना जरूरी नहीं है, ऐसे ज्यादा ठीक दिखेगा यार ये, और अगर इसको थोड़ी इसकी लुक एनहेंस करनी है तो यहाँ पर एक कारपेट और लगा दो। यस अभी अभी मस्त हो गया। बाकी एक वेस लेना है मेरे को, इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, इसको रखकर आते हैं बेड के पास इस तरफ, यस परफेक्ट। एक बड़ा सा पोस्टर भी चाहिए, ये बाय कर लेते हैं, इसको बेड के एकदम साइड में ही वॉल पे लगा देता हूँ। और मुझे एक छोटा कैबिनेट चाहिए, कैबिनेट की थीम है ब्लैक अपने पास, तो इसको यहाँ लगाते हैं। वो भाई क्या बढ़िया इंटीरियर बनता जा रहा है। एक है कैंडल, कैंडल भी बेड के साइड में रख देता हूँ। लास्ट बचा एक मुझे प्लांट रखना है, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव सा लग रहा है, सोच रहा हूँ इसे स्टेयर्स पे, बट स्टेयर्स पे ना जगह नहीं है, यहाँ रख सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने वहां से एक हटाया था तो शायद वहां आएगा तो बढ़िया है, बट इधर रखने के लिए नहीं बोला, उसको ऊपर वाले रूम में ही रखना है मुझे, तो इसके लिए बढ़िया सी जगह तो भाई फिर यही है, यहाँ पर और कुछ है नहीं, इधर ही लगाते हैं, विंडो के पास रहेगा, थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी आएगी, इसके ऊपर पत्तियां लगा देता हूँ। भाई बहुत बड़ा है यार ये तो, बट ठीक लग रहा है। अब लास्ट बचे एक क्लॉक, क्लॉक का भी कलर करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इसको लगाएंगे इधर इधर इधर, यहाँ अच्छी लग रही है, या फिर यहाँ, ये तो बहुत ऊंचा हो रहा है, इधर ठीक है, यहाँ सही है, बेड से अपना दिखते रहेगा ना, सोते ही उठेंगे पता चलेगा कितने बजे सो के उठे हैं। अब यहाँ पे बचा है बस मुझे पेंट करना है सियान एंड वाइब्रेंट, तो इसको लेके यहाँ पे रखते हैं, और शायद से मुझे इस एरिया में पेंट करना है, बट ब्रिक्स भी लगाने होंगे यार यहाँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत ईंटें टूटी हैं उसके लिए ब्रिक्स लगेंगे। अब ले लेता हूँ पेंट ब्रश, और जितने एरिया में मुझे पेंट करना है सिलेक्ट करके काम शुरू करते हैं। चलो भाई तो पेंट भी हो चुका है और ऊपर वाला फ्लोर पूरा कंप्लीट हो गया, बट स्टार्स जो दिख रहे हैं ना वो शायद अभी भी पूरे नहीं है, आई मीन टास्क तो सारे हो गए, ऊपर वाला फ्लोर, अच्छा अंदर का बाथरूम ये सब कुछ बचा हुआ है, वही मैं कहूँ यार ये स्टार्स तीनों लेकर जाऊंगा मैं। तो बाथरूम में सबसे पहले आएगा बाथटब, चलो भाई बाथटब लगा दिया, साथ में मुझे लगाना है एक कैबिनेट, या बाथरूम में ही रख दो क्या, यहाँ रख देते हैं, यहाँ जगह है,
जब अपना बंदा टॉवल वॉल रख लेगा। वैसे नहीं यार, इतना बड़ा बाहर रखने की जरूरत नहीं है, इधर ये रूम बना ही उसलिए, तो यहाँ रखते हैं इसे। और ये है अपना लॉन्ड्री बास्केट, इसको भी यहाँ लगा देते हैं। और एक है साइड मिरर, ये इधर आ जाएगा कॉर्नर में। यहाँ पर अभी ओ वाओ अच्छा कारपेट वारपेट रह रहा है इधर। बाथटब के आगे कारपेट, टॉयलेट ब्रश, टॉयलेट सीट और एक ये स्टैंड, बढ़िया। चलो भाई सारा काम हो गया इधर का। एंड स्टार अभी मेरे को पूरा ऊपर 2.5 स्टार मिल चुके हैं, पर जहाँ तक है मैंने ऊपर वाले फ्लोर का सारा काम कर दिया है। अब चलते हैं नीचे, शायद नीचे कुछ ना कुछ मिस हो गया है। इधर भी क्लीन है सब, यार सब कुछ तो हो गया है। इस वाले रूम में आ रहा है कुछ, ओ वेट ये क्या है, बीच पैनल वुड न्यूट्रल वुड, ये कहाँ लगानी है मुझे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओ ये देखो, तो ये जो वॉल के पीछे रहेगा ना वो नॉर्मल वाली नहीं रहेगी। यार ये तो बैंड बच गई, मैंने सब रख दिया था, इसको हटा सकता हूँ क्या मैं एज इट इज़? वो यस ये सारा हट जाएगा, बट सामान भी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, पर थोड़ा सा है। वही मैं कहूँ यार, इतनी देर से आ रही चीज़ें रह गई हैं, बट समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो ये वाला जो एरिया ना जहाँ पे पहले टाइल्स लगी हुई थी, उधर पेंट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे सिंक वगैरह है तो वापस से सीलन आ जाएगी, इसीलिए हमें वहाँ पे वापस टाइल ही लगानी है। हाँ यार ये मैंने ध्यान नहीं दिया था शुरू में, बट ठीक है करता हूँ मैं फटाफट। यहाँ पर मुझे किए लेना है, बाय करते हैं और यहाँ पे रखता हूँ, इसे उठा के लगाते हैं। अबे ये वाली चलेगी ना, पता नहीं यहाँ पर बढ़ रहेगा, यस बढ़ तो रहा है, पर इसके अंदर जो मुझे चाहिए वो एग्जैक्ट दिख क्या रहा है, मिल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। चलो वैसे ठीक है, हमें बस यहाँ पे लगानी थी चाहे कैसे भी हो, अभी अपना काम हो गया है। तो ठीक है, अभी ये लेफ्ट वाली साइड हो गई है, अब ये वाली साइड को मूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे कर देता हूँ बस। अब यहाँ पे भी फटाफट वही करना है। भाई यार ये शुरुआत में अगर ध्यान दिया होता ना क्यों नहीं हो रहा, तो डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी जल्दबाजी में थोड़ा सा और गलत कर दिया, इधर नहीं करना था, पेंट हो गया इधर गलती से, बट ठीक है थोड़ा पेंट अपने पास बचा हुआ पहले का, इसे यहाँ लगा देता हूँ। बाकी अब टाइल तो फटाफट लग जाएगी, इसमें टाइम नहीं जाता। अभी भी 3 स्टार कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट हाँ ऑलमोस्ट 2.8% स्टार हमें मिल चुके हैं। बाकी जो जो चीजें जैसे जैसे हटाई थी मैं उसे वापस लगाता हूँ। एक यहाँ जाएगा, गैस स्टोव सेंटर में था, मैंने यार पहले बहुत अच्छी थीम दी थी, मेरे को बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, जैसे थी वैसी रखूंगा। ये यहाँ पर था, टाइल्स का काम हो चुका है, इसे बेच दो अभी। इसके साइड में ही था और एकदम एंड में फ्रिज था। और हाँ एक और चीज, मैंने इसको एक ब्लॉक ऊपर मूव करा था क्योंकि टाइल लगानी थी। डन है, अभी पहले जैसा एकदम मैंने कर दिया है, कोई भी काम नहीं बचा है। स्टार सारे नहीं मिले, क्या पता इसकी गंदगी की वजह से सारे सामान बेच देते हैं जो हमारे काम का नहीं है। अच्छा नहीं, बाहर की साइड में भी बहुत सारी गंदगी है यार, ये देखो इसमें आ रहा है, सब क्लीन करना है। चलो भाई अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बचा हुआ है, अभी अंदर से तो पूरा घर चमका दिया, ये सब भी हमें ही करना है। चलो कोई बात नहीं, पहले जितनी चीजें बिक सकती है सारी बेचता हूँ, फिर स्टेन्स वगैरह साफ करेंगे, काम कम्प्लीट है। कूड़ा भरो भाई सारा इसके अंदर और इसमें फेंको। भाई क्या क्या बिक रहा है, 4 सेल का बोर्ड भी बिक गया, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, भाई कितनी चीजें हैं, तभी तो 3 स्टार पूरे मिल नहीं रहे थे, सारा गन तो घर के बाहर भी पड़ा हुआ है। हाँ अब लग रहा है भाई एरिया कुछ क्लीन, पूरा चमका दिया, जितनी चीजें थी सारी हटा दिया है। वैसे यहाँ पर बता रहा है हम क्या क्या और कर सकते हैं, इधर ये सब कबाड़ भी कहीं पड़ा हुआ है, रेडिएटर है, टायर है, बहुत सारी पत्तियां हैं, एक ट्रंक कहीं गिरा हुआ है, गिरा ये रहा ट्रंक तो दिख गया, ये बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा। पत्तियां अच्छा ये है क्या पत्तियां, ये बिकेंगी भाई, नाइस इसके पैसे मिल रहे हैं। ओ भाई साहब ये सब देखो बैक साइड पे, ऐसा लग रहा है कोई खून से लिख के गया है, बट एक्चुअल में तो स्प्रे है, वैसे कुछ पता नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये तो क्लीन कर दिया, ये जो पैनल्स है ना ये भी मेरे को ठीक करने पड़ेंगे अभी, तो मैं इसे भी एकदम साफ करता हुआ चलता हूँ, एक ही बार में टाइल्स खरीद के यहाँ भी लगा दूंगा, ये भी ठीक हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी कितना सारा कबाड़ मचा हुआ है भाई, मैं खाली पीली लगा पड़ा था कि मैंने पूरा घर साफ कर दिया, अभी बचा है। और ये तो मैंने शुरुआत में आते ही देखा था, इसको कैसे भूल गया मैं। यार बहुत सामान गिरा पड़ा भाई इधर, बहुत सामान, ये रहा रेडिएटर, ये रहा टायर, अब बस यहाँ पे पत्तियाँ बची हैं जो मुझे बेचनी है, बाकी सारा कूड़ा मैंने साफ कर दिया है। कहाँ पर दिख रही है भाई लीव्स, अच्छा ये रही एक, तो ये रही एक, यहाँ ऊपर है एक, ये रही एक और कहीं पे बची हुई है, बाकी सारी हमने क्लीन कर दी है। अच्छा ये बची लास्ट, ये रही, ठीक है भाई चलो अब हमें कुछ नहीं बेचना, अब बस सफाई करनी है। एक सेकेंड यार मैंने एक चीज़ भूल गया, ये देखो यहाँ पर ये वाला एरिया रह रहा है भाई, काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है जो मैंने पेंडिंग छोड़ रखी है, तो ये ऊपर वाले फ्लोर पे बालकनी में रह गया था, करके जाऊंगा भाई सारा, टेंशन नहीं है। पूरे 3 स्टार चाहिए 100%। चलो यहाँ पर अभी लगेगा नया वुड, ये पैनल्स मुझे लेने हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, उठा के सीधा ये लगाए, डन, अब इसको बेच देते हैं। चल भाई करते हैं रूम बंद, अब हो गया सारा काम इधर, जो भी ऊपर का सारा काम हो गया है, अब बची है नीचे वाले फ्लोर की क्लीनिंग। मेरे को ये ग्राउंड फ्लोर के पैनल्स देखकर याद आया भाई, ऊपर के भी वुड पैनल ले गए थे भाई, क्या अगला दिन भी लग जाएगा क्या, कितना काम है खत्म ही नहीं हो रहा है। चलो ये भी साफ हो गया है, जितने जितनी जगह पर ये खराब हो रहे थे ना वुड वाला, ये सारा तो कर ही दूंगा मैं अभी। इधर भी हो गया, एक ये लास्ट ये वाला एरिया बचा है, पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ,
ताकि कुछ और ना हट जाए जो नहीं हटाना चाहता मैं। टर्न भाई सब हो गया, अब बस नया वाला मेरे को ये वुड खरीदना है, ये वाला, और बस यहाँ पे लगाना है। इस तरफ हो गया, यहाँ पर भी फटाफट से लगा देता हूँ भाई। बहुत फास्ट हो गया भाई, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी चीज़ लगाने में, उसको हटाने में क्लीन करने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, बाकी उसे दोबारा लगाने में तो कुछ ही सेकेंड लगते हैं। बस यहाँ पर एक दो स्टेन है वो क्लियर करने हैं, काम हो जाएगा। एक हो गया, एक और है कहीं इस पूरे घर में। अच्छा नहीं, हो गए दो थे ये पूरे भाई, तीनों स्टार हो चुके हैं क्या अभी? कहीं पर रह रहा है भाई। अच्छा यहाँ रह रही हैं लकड़ियाँ, वही मैं कहूँ कुछ तो है। डन है भाई, ख़त्म भाई सब खत्म। ये देखो कोई भी काम अभी करने के लिए नहीं बचा है, अपने घर को पूरा ए टू जेड कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, पूरा का पूरा रेनोवेट कर दिया है। वैसे बाहर से तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा अलग से लुक नहीं आई है, बट हमें जितना काम करने के लिए बोला था मैंने सारा कर दिया। पर एक चीज़ मेरे को भी दिख गई है, पता नहीं क्यों मेरी नज़र ख़राब जगह पड़ जा रही है भाई, अभी भी नोटिस करा ऐसा कुछ मैं छोड़ कर आ गया ऊपर। बट एक सेकंड, मैं इसको करूँ भी कैसे? मेरे पास ये वाला पेंट है क्या? चलो नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाहर भी ना मैं रुक जाओ, नहीं लेता हूँ यार पेंट, लेता हूँ ऐसे कैसे। पेंट मिलना चाहिए यार हमारी अपनी कलर चॉइस का। ये देखो ये रहा, एग्जैक्ट तो नहीं पता बाहर कौन सा पेंट हो रखा है, बट इस कलर से मेरे को थोड़ा मैचिंग लग रहा है तो मैंने ले लिया। अभी यही वाला पेंट मार के देखते हैं इधर, नहीं हो रहा भाई, और ये थोड़ा सा फ्लैट लुक दे रहा है, बाहर वुड टेक्सचर है। चलो कोई नहीं, पत्थर ना दिखे इसलिए कर देता हूँ। चलो भाई मैं और काम नहीं करने वाला, मैं जितना घूमूंगा मेरे को उतने काम दिखते रहेंगे और मैं करता चले जाऊंगा। बहुत हो गया भाई, पूरा घर मैंने बहुत अच्छे से बना दिया है, आई डोंट थिंक कुछ भी रह गया। तो चलो गाइस, आई होप आप लोग को आज की वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाके लाइक करना, कमेंट्स में जाके ये जरूर बताना है कि तुम्हारे भाई की थोड़ी इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी है, घटिया है, 10 में से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने तुम्हें नंबर लगे दे देना। बाकी हाँ, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो नीचे प्यार से सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे जाके जरूर से दबा दो, क्योंकि इस टाइप की बहुत मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस आने वाली है। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।